हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। वीडियो की शुरुआत ये देखिए, ये पिंक कलर के मल्टी पेटल हिबिस्कस के साथ। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे से होगे, बहुत मस्त होगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होगे। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे सर्दियों के बहुत ही खूबसूरत से प्लांट कैलेंचो के बारे में, देसी कैलेंचो। तो ये देखिए, मेरे पास इसके बहुत सारे कटिंग से मैंने प्लांट बनाए हैं। ये कुछ एक सामने थे, वो मैं दिखा रही हूँ आपको, कहीं कहीं और भी होंगे। ये देखिए, तो इनकी थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करने के लिए मैंने इनको सामने रखा। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इनकी देखभाल कुछ भी नहीं है। ये देखिए, कटिंग से बहुत इजीली ये प्रोपोगेट होता है। ये देखिए, इतनी सी कटिंग आप लें, अभी भी इसके किनारे साइड आप दबा दें, एक प्लांट आपका रेडी। मतलब अभी भी अनगिनत प्लांट इससे बनाए जा सकते हैं। और इनको पिंचिंग करते रहने से ये प्लांट बुशी बनता है। तो हाइब्रिड तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि उसके लिए नर्सरी जाना पड़ता है और उसकी थोड़ी सी इससे ज़्यादा देखभाल होती है। हार्डी वो भी होता है, पर ये तो कुछ ज़्यादा ही हार्डी होता है और ये पूरे साल आपके परमानेंट प्लांट होता है। ये कभी ख़राब नहीं होता, कभी मरता ही नहीं है। एक पत्ती से भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। और देखिए, सारे में बड्स बने पड़े हैं। मैं इनकी गुड़ाई करने के लिए इनको सामने रखी थी, कल मैंने इसमें पानी दिया है। ये देखिए, धूप आजकल तेज आती नहीं है तो पानी बिल्कुल सूखा नहीं है। ये देखिए, तो बिल्कुल जड़ों में मैं नहीं कर रही हूँ, किनारे किनारे इसकी थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर दे रही हूँ अच्छे से। तो इसकी देखभाल की अगर मैं बात करूँ तो मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। ये सकुलेंट टाइप प्लांट है तो पानी रुकने का कहीं से भी खतरा ना हो। पॉट में ड्रेनेज बहुत अच्छे से हो, बहुत ज़्यादा हो, ताकि कभी भी आप वाटरिंग करें तो पानी एकदम से ड्रेन हो जाए। और एक भाग रेत, एक भाग मिट्टी और एक भाग काउडंग या किचन वेस्ट खाद मिला के आप इसको लगा सकते हैं। और बीच बीच में चावल दाल का पानी, तो हमारे घर पे और कुछ रहे या ना रहे, चावल दाल का पानी तो सबके घर में निकलते ही है। सब्जी धोने का पानी, आजकल हरी हरी शाक खाते हैं सब लोग, भाजी, उसका धुला हुआ पानी, ये सब इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, ये सब इनको बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो एकदम पतला डाइल्यूट करके जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाए, आप टच करके देख लीजिए पहले, तो सूख जाए तब आप बिल्कुल पतला डाइल्यूट करके ये घर से निकले हुए जो नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं आप 2-4 दिन के अंतराल में भी दे सकते हैं। और अभी तो खैर इनको पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, 1 दिन 2 तो 4-5 दिन लग जाते हैं इनके पानी को सूखने के लिए। और ये देखिए, पूरे बर्ड्स बने हैं। तो इनको अभी इन बर्ड्स को खिलने के लिए अभी प्रॉपर धूप चाहिए। तो लोकेशन इनकी बिल्कुल धूप वाली होनी चाहिए। कोशिश करिए कि सबको बहुत तेज़ धूप में रखिए और रात के ओस से बचाइए, शीत से, तभी ये पूरे अच्छे से खिल पाएंगे। और सबके सब अगर खिलेंगे तो ये फ्लावर देखते ही बनते हैं और इनके फ्लावर महीनों महीनों टिके रहते हैं। और ये तो बता ही दी कि परमानेंट प्लांट होते हैं, तो ये विंटर के जितने भी फ्लावर हैं उनमें से एक बहुत अच्छी प्यारी सी एक वैरायटी ये भी है कैलेंचो। तो ये देखिए, मैंने इसी पे आज काम करने की सोची तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और बहुत सारे मेरे पास प्लांट हैं, जहाँ तहाँ मैं कोने कोने में रखी हूँ, पर ये मेरे को सामने नज़र आए तो मैं इन पे कर रही हूँ, या फिर इनको वापस अपनी जगह पे रख के मैं बाकी के प्लांट में भी कर लूँगी। कर कुछ भी नहीं रही हूँ मैं, दाल चावल का पानी तो बीच बीच में मैं देती ही रहती हूँ, काउडंग, बनाना पील, ये बाकी के प्लांट को देती हूँ। तो अगर इनकी मिट्टी सूखी है तो मैं इनको ज़रूर थोड़ा थोड़ा
इस साइड साइड में डाल देती हूँ, एकदम भर के नहीं, थोड़ा थोड़ा। और काऊ डंक मिला के अगर एक बार आप मिट्टी बना दिए हो तो आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइज़र भी देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना टाइम आने पे खिल ही जाते हैं। देखिए तो बस इसकी कोई देखभाल नहीं है, बिगनर्स के लिए तो बहुत ही प्यारा सा प्लांट है, बाकी के विंटर के प्लांट को तो कुछ ज़्यादा ही देखभाल करना पड़ता है, पर ये बहुत हार्डी प्लांट होता है और एक बार आ गया आपके गार्डन में तो ये हमेशा जीवन भर आपके पास रहेगा और एक से आप कई प्लांट बनाते रहेंगे। बस ओवर वाटरिंग ना हो, ड्रेनेज सही हो, मिट्टी सॉफ्ट हो और बस। अब फर्टिलाइज़र ना भी दे पाओ और जो डैमेज सी पत्तियां हैं या बहुत ज़्यादा पत्तियां हैं तो थोड़ा इनकी पत्तियां आप कम कर सकते हैं ताकि अपनी एनर्जी ये फ्लोरिंग करने में लगाएं। बस इसकी कोई देखभाल है ही नहीं है, लेकिन ये विंटर का बहुत सुंदर सा फ्लावर होता है, प्लांट होता है। तो अगर आपने अभी तक अपने गार्डन में इस प्लांट को ऐड नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, अभी भी टाइम है, अभी भी एक लाओगे तो आप कई प्लांट बना सकते हो इसके, ये देखिए। तो ज़रूर इसको ऐड करिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। रेड कलर के फ्लावर आते हैं और देसी में एक ही कलर आता है, और हाइब्रिड में तो आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, बहुत सारे। तो वो भी प्लांट बहुत अच्छा होता है, उसकी भी बहुत ज़्यादा केयर नहीं है, पर इससे थोड़ा वो ज़्यादा केयर मांगता है, हमारे देसी प्लांट के। और देसी चीज़ों की तो बात ही अलग है, रफ टफ होते हैं। तो बस फ्रेंड आज के लिए यही थी मेरी शेयरिंग, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाएं, सपोर्ट करें और गार्डनिंग से जुड़ी अच्छी अच्छी टिप्स लेके जाएं मेरे वीडियो से। तो ओके फ्रेंड, बाय।